अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाने लगे हैं। इसके लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नीम गर्म पानी चाहिए और 2 कप मैंने आटा लिया है मकई का। मैंने चाय वाले कप से लिया है, आप चाहें तो दूसरे कप से भी, किसी भी कप से ले सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितना आपको आटा, जितनी आपको रोटी बनानी है आपने उतना आटा गूंदना है। अगर मैंने 2 रोटी बनानी है तो मैं उतना ही आटा गूंदूंगी। अगर आप ज़्यादा गूंद के रखेंगे तो रोटी जो है वो आपकी ठीक से बनेगी नहीं। जिनके साथ मकई की रोटी अच्छी लगती है, ये देखिए, मुझे तकरीबन 2-3 रोटियों का चाहिए था तो मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उतना गूंदा है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी गूंद सकती हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा आटा लेते जाना है और उसको अपनी हाथ की हथेली से जो है वो कटते जाना है, मसलते जाना है, ताकि आटा जो है हमारा वो यकजान हो जाए बिल्कुल एक, जैसे हम लोग नॉर्मली आटा गूंदते हैं उस तरीके, उस सूरत में आ जाए। ये देखिए, मैंने आटा फ्लोर पे डाल लिया क्योंकि उसमें सही तरीके से हैंडल नहीं हो रहा था और मुझे इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। ये देखिए, ये जब मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये साइड से बिखर रहा है। हमें ये बिखरता हुआ नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल यकजान चाहिए। ये देखिए, इस तरीके के साथ आप इसको मसलते जाएं। एक और तरीके के साथ भी मकई का आटा गूंदा जाता है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, लेकिन उसको जरा थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको टाइम नहीं लगता। ये हाथों हाथ आप गूंदते जाएं और आप इसको करते जाएं, हाथों की मदद से जो है आप इसको, ये देखें, ये अभी जो है हमारा यकजा नहीं हुआ बिल्कुल, हमें ये स्मूथ क्रीमी टाइप चाहिए। ये देखिए, ज़रा थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी पर इससे आपकी, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी रोटी टूटेगी नहीं। ये देखिए, मैंने आटे को गूंद लिया अच्छे से और ये देखिए, ये बिल्कुल एक यकजान हो गया। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। एक पॉलीथीन बैग ले लिया मैंने, आपने जितनी रोटी बना, जितना पेड़ा रोटी बनानी है पेड़े की, अब वो पेड़ा ले लें। ये देखिए, ये देखिए, इसको नीचे पेड़ा बना के मैंने पॉलीथीन बैग के ऊपर रख दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊंगी और इसको गोल गोल घुमाती जाऊंगी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको बेलन के साथ भी कर सकते हैं, साइड से आप इसको कवर करते जाएं। बहुत मोटी और बहुत बड़ी नहीं बनाइएगा। जब इसको इस तरह आप घुमाते जाएंगे और करते जाएंगे तो आपकी ये रोटी जो है माशाल्लाह से गोल भी बनेगी और साइड से आप देख लें, मेरी साइड से बिल्कुल भी नहीं फटी। ये देखें, इसको पानी लगाती जा रही हूँ और इसको गोल गोल घुमाती जा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गई है। अब मैं इसको जो है तवे पे डाल देंगे, तवे पे भी बना सकते हैं आप, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी, मैं आपको दिखा। मैंने पैन रख दी है, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दूंगी, आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं। सिर्फ हमने घी इसलिए डालना है कि इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें। ये देखिए, ये हो गया। अब मैंने आराम से इसको उठाया और अपने पैन में डाल दिया। ये देखिए, इसको हल्का सा इस तरह हल्का सा घुमा लिया, बस हल्की आंच पे सेकिएगा। अब मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया, इसी तरह इसके ऊपर रख लिया मैंने, गीला हाथ करूंगी और इसी तरह इसको इस तरीके के साथ घुमाती जाऊंगी और इस तरीके से इसको गोल करती जाऊंगी।
ये देखते हैं, जब आपको लगे कि आपके हाथ में ये चिपकने लग गई है तो आप हल्का सा गीला हाथ लगाएं और इसको दोबारा से घुमाते जाएं। ये देखें, माशाल्लाह से साइड से कोई टूटी नहीं है, कहीं खराब नहीं हुई है और बहुत पतली रोटियां बन गई है। ये हो गई है, अब हम अपनी रोटी को देख लेते हैं। ये देखिए, मैं इसको स्पैचुला से पलट दूंगी। ये देखिए, आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। अब हमें इसके ऊपर और घी लगाने की जरूरत नहीं है, जो नीचे पैन में घी है उसी से हमारी दूसरी साइड भी जो है वो सिक जाएगी। इसको हम इस तरीके के साथ हल्का हल्का दबाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। देखें आप, मेरी रोटी कहीं से नहीं टूटी है, कहीं से खराब नहीं हुई है और बहुत आसानी से बन गई है। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देख लें। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। जहां से थोड़ी सी ड्राई है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी, थोड़ा सा तेल भी लगा देंगे, ये अच्छी सी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से, आप इसकी रंगत देखें, इसकी कलर देखें, ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी कलर देख लें, इसकी लुक देख लें। इसी तरह हम दूसरी भी डाल देंगे। ये देखिए, अपने फ्लेम जो है वो लो रखना है, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनेगी वरना कच्ची रह जाएगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। हम माशाल्लाह से इसकी लुक देख लें, कितनी हसीन आई है और कितने अच्छे से ये कुक हुई है। ये देखें, ये देखें दूसरी साइड से भी इसको कर लूंगी। ये देखें कितनी फूल रही है ये रोटी हमारी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी फूल रही है रोटी। ये देखें आप, ये देखें, ये दूसरी साइड से भी हो गया और मैं इसको उतार लूंगी और डिश आउट कर लूंगी। जी ये देखें माशाल्लाह से मेरी हमारी रोटी रेडी हो गई है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, कितनी हसीन है। देखें कितनी अच्छी और कितनी लाजवाब बनी है, बिल्कुल नहीं टूटी है। और साथ मैंने साग बनाया था, उसको सर्व किया है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।